ईश्वर हमारी भक्ति देखकर हम पर कभी कृपा नहीं करने वाले हैं। जितनी जल्दी हम इन बातों को मान लें उतना जल्दी ठीक रहेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल की निरंतर सेवा करेंगे तो लड्डू गोपाल में तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे या श्री कृष्ण बैकुंठ से हमारे घर पे आ जाएंगे। अगर हम लेट लेट के परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन की तो श्री कृष्ण कहेंगे वत्स खड़ा हो, तुम्हारी तपस्या जो है सफल हुई, मैं सामने आ गया, वर मांगो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हैं कलयुग के भक्त, ना हम मीरा की तरह भक्ति करना जानते हैं, ना हमारी भक्ति शुद्ध है, ना हम प्रहलाद जैसे भक्त हैं, ना हम ध्रुव जैसे भक्त हैं। अगर हम भक्ति इन तमाम चीजों को लेकर कर रहे हैं कि ईश्वर मेरे ऊपर कृपा कर देगा, ईश्वर का प्राकट्य हो जाएगा, ईश्वर रीझ जाएगा, तो सबसे पहले ये समझिए कि ईश्वर कृपा जब करेंगे जब आपके कर्म अच्छे होंगे। आपके कर्मों को देखा जाएगा सबसे पहले। प्रकृति इन फिजाओं को अगर मोड़ेगी, आपकी तरफ अनुकूल करेगी, तो प्रकृति आपका सही समय देखेगी या नहीं देखेगी। अगर ईश्वर भक्ति से प्रसन्न हो जाए, अगर ईश्वर भक्ति से प्रसन्न हो जाए, अगर आप दान दे रहे हो इसलिए प्रसन्न हो जाए, या छप्पन भोग चढ़ा रहे हो इसलिए प्रसन्न होके, और आपके कर्मों को अनदेखा करके आपके ऊपर कृपा कर दे, तो आप स्वयं बताइए वो लालची नहीं है फिर? फिर तो हर कोई बुरे कर्म करेगा, छप्पन भोग चढ़ाएगा, दान देगा और व्रत रखेगा और ईश्वर कृपा कर देगा। जब तक आपके जीवन के बुरे कर्मों का संघर्ष जारी रहेगा तब तक तो संघर्ष भुगतना ही पड़ेगा। जैसे ही अच्छा समय आएगा तो ईश्वर अपने आप खुद ब खुद आपके ऊपर रीझ जाएंगे और आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड्डू गोपाल की भक्ति करना गलत है, वृंदावन जाना गलत है, वो भाव का विषय हो सकता है। मगर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति करूंगा तो ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो थे द्वापर के, वो थे रामयुग के भक्त और हम हैं कलयुग के भक्त। हमारी ना भक्ति शुद्ध है, ना विचार शुद्ध है, ना हमारे अन्न शुद्ध है और ना ही हम व्यक्ति शुद्ध है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी शुद्धता पे काम करने की जरूरत है।